स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल प्रज्ञा बी एन एम इंग्लिश लिटरेचर गाइज इन दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाइनटीन नाइंटीज इन विक्टोरियन एज दिस इज गिवन इन यूनिट फोर नाइनटीन सेंचुरी तो नाइनटीन सेंचुरी में आपका दिया हुआ टॉपिक आज हमें इसको डिस्कस करना है नाइनटीन नाइंटीज इन विक्टोरियन एज के बारे में दिस इज फॉर बी ए पार्ट थर्टी स्टूडेंट्स एंड दिस इज गिवन इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सो अगर आप ये पार्ट थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और आपका पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी से किसी भी कॉलेज से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से आप स्टडी कर रहे हैं या आप किसी अदर स्टेट से भी आप अगर स्टडी कर रहे हैं और आपका पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और इसके साथ ही हमने बहुत सारा अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पॉइंट्स उन सभी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप इस वीडियो को वॉच करने के बाद जाके उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा तो आज हमें डिस्कस करना है हियर यू कैन सी आई एम रिटन यूनिट फोर नाइनटीन सेंचुरी और इसमें हमें डिस्कस करना है पॉइंट नॉटी नाइनटीन इन विक्टोरियन एज या और लिटरेरी अचीवमेंट्स ऑफ द लास्ट डिकेड ऑफ नाइनटीन सेंचुरी सो यहाँ मैंने कुछ स्मॉल पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हैं इसके बारे में उसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा सो फर्स्ट पॉइंट तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं तो आज हम नाइनटीन नाइनटीज एंड विक्टोरियन एज में जो जो पॉइंट्स को हमको डिस्कस करना है उसमें आपको पहले बता देती हूँ सो पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे इसके बारे में जानेंगे एंड नेक्स्ट हम लोग इसके इसमें क्या ड्रामास थे क्या फिक्शन थे इनको भी जानेंगे और उसके साथ ही एस्थेटिक मूवमेंट के बारे में भी जानेंगे नाइनटीन नाइनटीज में क्या एस्थेटिक मूवमेंट था उसके बारे में जानेंगे सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो सो फर्स्ट पॉइंट लास्ट डिकेड ऑफ नाइनटीन सेंचुरी इज कॉल्ड नाइनटीन नाइनटीज पहले तुम ये जानते हैं नाइनटीन नाइनटीन है क्या तो जो नाइनटीन सेंचुरी का लास्ट डिके है मीन्स 1890 का जो टाइम पीरियड है 1890 ये जो टाइम पीरियड है 1890 से लेकर के 1900 तक का दैट इज नोन एज नाइनटीन नाइनटीज आई थिंक दिस इज क्लियर तो इस टाइम ड्यूरेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें क्या ड्रामास थे कौन से राइटर्स वगैरह थे क्या उनके वर्क्स थे क्या उसकी स्पेशलिटी थी सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे सो लास्ट डिकेड ऑफ नाइनटीन सेंचुरी इज कॉल्ड नाइनटीन नाइनटीज बिकॉज दिस वॉज अ टाइम ऑफ रिवॉल्ट अगेंस्ट सो कॉल्ड विक्टोरियन एज ये जो टाइम था वो रिवॉल्ट का टाइम था इसके पहले विक्टोरियन एज चल रहा था अभी भी चल रहा था तो विक्टोरियन एज के अगेंस्ट में ये रिवॉल्ट था 1890 का जो टाइम था एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड एपिलॉग टू द विक्टोरियन एज और ये विक्टोरियन एज का एपिलॉग भी इसको बोला जाता है एपिलॉग मीन्स कंक्लूडन हो रहा था इसमें कंक्लूजन हो रहा था विक्टोरियन एज का विक्टोरियन एज के बाद मॉडर्न एज का टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है तो ये विक्टोरियन एज का एक तरह से कह सकते हैं एंडिंग का टाइम था एंड नेक्स्ट पॉइंट अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन विच सॉ इमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू फोर्सेस और ये ट्रांजिशन का टाइम था बहुत सारे एजेस में ऐसे ट्रांजिशन होते रहे हैं जैसे कि रोमांटिक एज के पहले का भी जो प्री रोमांटिक्स का जो टाइम है वहाँ भी ट्रांजिशन का पीरियड आता है इसी तरह से चौसर के टाइम में भी हम ट्रांजिशन का पीरियड देखते हैं और विक्टोरियन एज में भी जब विक्टोरियन एज की एंडिंग होती है तो यहाँ पे भी ये जो 1890 का जो टाइम है मीन्स नाइनटीन नाइनटीज इसको कहते हैं एंड नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर डेथ ऑफ टेनिसन इन 1892 नो डोमिनेंट पर्सनैलिटी रिमेन टू इंटरप्रेट द सेंटीमेंट्स ऑफ ब्रिटिश नेशन लॉर्ड टेनिसन की डेथ के बाद इनकी डेथ हो जाती है 1892 में लॉर्ड टेनिसन के नाम पे तो उनका एज भी बोला गया है द एज ऑफ टेनिसन तो इनकी डेथ के बाद कोई भी ऐसा ऑथर नहीं बचा कि जो उनकी तरह से ब्रिटिश नेशन के सेंटीमेंट्स को एक्सप्रेस कर सके एंड नेक्स्ट पॉइंट इज थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ नाइनटीज और ये जो रिवॉल्ट हुआ है अगेंस्ट विक्टोरियंस के उसके थ्री एस्पेक्ट्स थे उनको भी जान लेते हैं सो फर्स्ट एस्पेक्ट इज फर्स्ट इट री एस्टैब्लिश द रिवॉल्यूशनरी कॉल ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड सेकेंड एस्पेक्ट जो था दैट वॉज द नाइनटीन नाइनटीज वर वर्शिपर्स ऑफ पावर रैदर देन ऑफ ब्यूटी ये लोग पावर के वर्शिपर थे एंड थर्ड पॉइंट थर्ड एस्पेक्ट था द चैलेंज द ओल्डर वैल्यूज ऑफ बोथ आर्ट एंड लाइफ एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द राइज ऑफ फैबियन मूवमेंट दैट सफर्ड सोशलिज्म दैट मीन्स 1890 में फैबियन मूवमेंट का राइज हुआ जिसने सोशलिज्म को काफ़ी सपोर्ट किया एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इन दिस डिकेड मोस्ट ऑफ राइटर्स फॉलोड अ लिबरल सेक्सुअल कोड इन देयर वर्क्स टुवर्ड्स रिलीजन दे एग्री एंड एटीट्यूड ऑफ डिफरेंस इस डिकेड में 1890 के टाइम में जो ज़्यादातर जो राइटर्स थे मोस्टली राइटर्स जो थे इन्होंने लिबरल सेक्सुअल कोड को फॉलो किया एंड अपने वर्क्स में एंड रिलीजन्स के प्रति जो इनका
जो परसेप्शन था डेट वॉज वेरी लो, उदासीन था कह सकते हैं रिलीजियस के प्रति. तो इन सारी चीज़ों ने ऑल दिस क्रिएटेड मोरल पोज एंड गेव बर्थ टू कंफ्यूजन कॉम्प्लेक्सिटीज एंड सोशल अनरेस्ट. एंड नाइन्थ पॉइंट ऑस्कर विल्डिंग इनिशिएटेड एस्थेटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड हिमसेल्फ अ सोशलिस्ट ही एंड सम अदर रिजेक्टेड द विक्टोरियन इनहिबिशन ऑन सेक्स. सो ऑस्कर विल्डे का नाम आप ध्यान में रखिएगा, ये एस्थेटिक मूवमेंट से रिलेटेड थे. इन्होंने स्टार्ट करा था, इनिशिएटेड मीन्स इन्होंने स्टार्ट करा था एस्थेटिक मूवमेंट को इंग्लैंड में एस्थेटिक मूवमेंट को स्टार्ट करा था ऑस्कर विल्डे ने. एंड हिमसेल्फ भी सोशलिस्ट थे, मीन्स जो विक्टोरियन एज में जो फिजिकल मोरल वैल्यूज थे उनको इन्होंने टोटली रिजेक्ट करा. एंड नेक्स्ट पॉइंट, रुडयार्ड किपलिंग वॉज एसोसिएटेड विद द प्री राफेलिट्स वॉज एन इंपीरियलिस्ट. और रुडयार्ड किपलिंग इस टाइम के राइटर्स थे, ये प्री राफेलिट्स मूवमेंट से एसोसिएटेड थे, बिलोंग करते थे. एंड ही वॉज अ इंपीरियलिस्ट, और ये एक इंपीरियलिस्ट थे. एंड नाउ वी केम ऑन नेक्स्ट पॉइंट, न्यू लिटरेरी टेंडेंसीज. सो इन न्यू लिटरेरी टेंडेंसीज फर्स्ट पॉइंट इज रॉबर्ट ब्राउनिंग्स आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट ऑफ द पोएट ऑफ दिस पीरियड. सो दिस टाइम पीरियड्स पोएट्री वॉज पेसिमिस्टिक. रॉबर्ट ब्राउनिंग्स के आइडियाज़ ने इस टाइम पीरियड के जो पोएट्स थे उनको इन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड किया. सो इस टाइम की जो पोइट्री थी डेट वॉज पेसिमिस्टिक. 1890 की जो टाइम की जो पोइट्रीज थी डेट वॉज पेसिमिस्टिक. सेकेंड पॉइंट, थॉमस आर्डी इन हिज नॉवेल्स एंड पोइट्री दिस मार्क टेंडेंसी इज क्लियरली परसेप्टिबल. थॉमस आर्डी के नॉवेल्स और उनकी पोइट्रीज में, उनके वर्क्स में ये जो मार्क्ड है पेसिमिस्टिक पेसिमिस्ट ये क्लियरली देखने को मिलता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अदर इम्पॉर्टेंट पोइट्स, और इनके अलावा थॉमस आर्डी के अलावा इस टाइम पीरियड के 1890s के जो अदर पोइट्स थे दैट वर जॉन डेविडसन, अर्नेस्ट डाउसन एंड ए हाउसमैन. ये थ्री पोइट्स थे. They also showed an disagreement with current conventions. So their poetry is marked with doubt and pessimism. Means इस time period के जो poets थे उनकी poetry थी, इसमें की जो poetry थी वो pessimism थी, pessimistic थी, निराशावादी जिसको हिंदी में कहते हैं. Now we came on next point. So we are talking about new literary tendencies. So next point is Thomas Hardy's poetry was in prose. He was a natural poet. Thomas Hardy ये एक natural poet थे. इनकी जो poetry थी वो भी prose में होती थी. एंड इनकी जो पोइट्रीज हैं डेट आर बेसिक्स पोएम्स, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं. बेसिक्स पोएम्स, पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट. एंड नेक्स्ट वन इज द डायनेस्ट, इन्होंने लिखा है. एंड लेट लिरिक्स एंड अर्लियर विंटर वर्ड्स, और इसके साथ ही इन्होंने कलेक्टेड पोएम्स लिखे हैं. ये कलेक्शन है पोएम्स का बाय थॉमस आर्डी. एंड इनके अलावा भी और पोइट्स हैं, डब्ल्यू एच हैनली, विलियम वॉटसन एंड रुडयार्ड किपलिंग. इन थ्री पोइट्स के जो थीम्स थे, डेट वर पैट्रियटिज्म एंड मेटेरियलिज्म इन देयर पोइट्री. इनके पोइट्रीज में पैट्रियटिज्म एंड मेटेरियलिज्म देखने को मिलता है, खास करके रुडयार्ड किपलिंग में इनकी पोइट्रीज में पैट्रियटिज्म देखने को मिलता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज थ्री डिफरेंट पोइट्स ऑफ 1990s, फ्रांसिस थॉमसन, ए हाउसमैन एंड रॉबर्ट ब्रीज. ये जो थ्री पोइट्स हैं ये डिफरेंट थे बाकी सभी पोइट्स से, जितने विक्टोरियन पोइट्स थे ये बाकी लोग थ्री लोग थे ये डिफरेंट थे. इनके नेम है फ्रांसिस थॉमसन, ए हाउसमैन एंड रॉबर्ट ब्रीज. तो इनके भी नेम आप नोट डाउन कर लीजिए. हाउसमैन ये एक क्लासिकल स्कॉलर थे, ही वॉज ए क्लासिकल स्कॉलर एंड ही रोट टू स्मॉल बुक्स ऑफ वर्स. टू बुक्स लिखे इन्होंने पोएम्स की. सो फर्स्ट वन इज ए ऑफ सैर लैंड एंड नेक्स्ट वन इज लास्ट पोएम्स. एंड रॉबर्ट ब्रीज ही रोट मैनी ब्यूटीफुल लिरिक्स एंड लॉन्गर पोएम्स. बहुत सारे इन्होंने ब्यूटीफुल लिरिक्स लिखे हैं और लॉन्गर पोएम्स भी नोट डाउन कर रखे हैं इन्होंने. टू पोएम्स हैं इनकी, द ग्रोथ ऑफ लव एंड नेक्स्ट वन इज ईरोस एंड साइके. एंड रॉबर्ट ब्रीज ही बिगेन एज अ विक्टोरियन पोएट बट एंडेड एज मॉडर्न पोएट. रॉबर्ट ब्रीज ऐसे पोएट थे जिन्होंने स्टार्टिंग तो विक्टोरियन एज की तरह से करी थी बट इनकी एंडिंग हुई थी मॉडर्न एज की तरह से. तो आपने जाना कि जो 1890s का जो टाइम पीरियड है डेट वॉज द कंक्लूजन ऑफ विक्टोरियन एज, इसमें विक्टोरियन एज की एंडिंग हो रही थी. एंड नाउ वी विल नो अबाउट व्हाट वर द ड्रामास एंड फिक्शन इन 1890s. 1890s में कौन कौन से नॉवेल्स थे, क्या ड्रामास थे, इन सभी पॉइंट्स के बारे में भी हम जान लेते हैं. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फिक्शन एंड ड्रामा इन 1990s.
तो नॉटी नाइनटीज में हम फिक्शन और ड्रामा के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नॉवल के बारे में। फिक्शन के इंग्लिश नॉवल वॉज रोमांटिक इन टोन बट रियलिस्टिक इन सब्जेक्ट मैटर। 1890 के बाद का जो टाइम था, जो उसमें नॉवल्स थे, दैट वर रोमांटिक इन टोन, बट का जो सब्जेक्ट मैटर था वो रियलिस्टिक था। और कौन कौन से नॉवलिस्ट थे? सो नॉवलिस्ट आर देयर जोसेफ कॉनराड, आर एल स्टीवेंसन, जे एम बैरी, रुडयार्ड किपलिंग, एच जी वेल्स, अर्नोल्ड बेनेट एंड जॉन गॉल्सवर्थी। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। एंड दे रिगार्डेड नॉवेल एज अ सोशल डॉक्यूमेंट एंड एज अ मीडियम ऑफ प्रोपागेंडा। इन्होंने नॉवेल को सोशल डॉक्यूमेंट की तरह से लिया। एंड आर एल स्टीवेंसन इन्होंने जो नॉवेल्स लिखे हैं, दैट आर ट्रैवल्स विद अ डंकी, ट्रेजर आइसलैंड एंड द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकाइल एंड मिस्टर हाइड, दे आर प्योर रोमांसेस। ये सभी जो नॉवेल्स हैं आर एल स्टीवेंसन के, दे आर प्योर रोमांसेस। एंड नेक्स्ट इज रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक्स लिखा है, वेरी फेमस बुक। आर द प्रोडक्ट्स ऑफ हिज फर्टाइल इमेजिनेशन ऑन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम पे इन्होंने लिखा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज जे एम बैरी। जे एम बैरीज इन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं द लिटिल मिनिस्टर, सेंटिमेंटल टॉमी, दे आर साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इनर सेल्फ ऑफ प्रोटैगनिस्ट। ये प्रोटैगनिस्ट के इनर सेल्फ के साइकोलॉजिकल सिचुएशन को इंटरप्रेट करते हैं इनके जो नॉवेल्स हैं जे एम बैरी के। एंड नेक्स्ट नॉवलिस्ट इज थॉमस आर्डी। थॉमस आर्डी तो बहुत फेमस नॉवलिस्ट है। इनके टू नॉवल्स टेस ऑफ द अर्बर विलेज एंड ज्यूड द ऑब्स्कर, ये जो दोनों नॉवल्स हैं इन्होंने इसी टाइम में लिखा था, 1890 के। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं ड्रामा पे। फिक्शन के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया, एंड अब हम लोग आते हैं ड्रामा पे। सो ये फर्स्ट पॉइंट इज लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, रिवाइवल ऑफ ड्रामा दैट हैड बीन ऑलमोस्ट डेड सिंस 18th सेंचुरी। 1890 के बाद से ड्रामा का फिर से रिवाइवल होना स्टार्ट हुआ, जो कि 18 सेंचुरीज के बाद से लगभग वो डेड हो चुका था। एंड अपराइजिंग ऑफ ड्रामेटिक प्रोडक्शन, पीपल बिगन टू टेक इंटरेस्ट इन प्लेस, लोगों का प्लेस में इंटरेस्ट होना स्टार्ट हुआ। एंड दो नाम आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, टू नेम्स हैं हेनरी आर्थर जोन्स एंड सर आर्थर पेनरो, टू नेम्स को आपको ध्यान में रखने हैं। 1890 के लिए ड्रामाटिस्ट हैं। दे रिवाइव्ड एंड पॉपुलराइज द प्रॉब्लम प्ले, इन्होंने प्रॉब्लम प्ले को रिवाइव किया और पॉपुलराइज किया। प्रॉब्लम प्ले ये ड्रामा का एक पार्ट है, एक टाइप है। एंड प्रॉब्लम्स वर कंसर्न विद डाइवोर्स कोर्स एंड डाइवोर्स कोर्ट एंड सम ट्रिवियल सोशल इशूज, और ये जो प्रॉब्लम्स थे वो कंसर्न करते थे कुछ सोशल इशूज से और कुछ डोमेस्टिक इशूज से भी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ऑस्कर विल्डिंग। ऑस्कर विल्डिंग का नाम आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने वॉक्स लिखे हैं, लेडी विंटर मेयर्स पैन, वीमेन ऑफ नो इम्पॉर्टेंस एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ऑस्कर विल्डिंग ये एस्थेटिक मूवमेंट से बिलोंग करते थे, आगे भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज 90s ऑल्सो विटनेस द रिवाइवल ऑफ ईड्स ड्रामा बाय डब्ल्यू बी ईड्स, जे एम सिंच। इस टाइम में आपको ध्यान में रखना है कि इसी टाइम में ईड्स ड्रामा का भी रिवाइवल हुआ था थ्रू डब्ल्यू बी ईड्स एंड जी एम सिंच। इसके अलावा ग्रिगोरी भी इससे रिलेटेड हैं, बट डब्ल्यू बी ईड्स का आपको नाम जरूर ध्यान में रखना है। इन्होंने ईड्स ड्रामा को रिवाइव किया था, डब्ल्यू बी ईड्स ने। एंड जी वी शाह, जी वी शाह को भी आपको रिमेम्बर रखना है। जी वी शाह वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ दिस पीरियड। सो अब हम लोग जान लेते हैं एस्थेटिक मूवमेंट के बारे में, एस्थेटिक मूवमेंट के बारे में, 1890s एंड द एस्थेटिक मूवमेंट। सो फर्स्ट पॉइंट इज एस्थेटिक मूवमेंट केम ड्यूरिंग 1890s, कंसिडर्ड एज ओनली रिलीजन ऑफ आर्टिस्ट। एस्थेटिक मूवमेंट ये 1890 के ड्यूरेशन में आया था, यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। इट्स लीडर्स बिलीव दैट ऑल आर्ट इज यूजलेस इफ इट्स नॉट कनेक्टेड टू आइडियाज ऑफ मोरालिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। एस्थेटिक मूवमेंट्स के जो लीडर्स थे वो बिलीव करते थे दैट की आर्ट, वो आर्ट यूजलेस है जो कि मोरालिटीज के आइडियाज से एंड मोरालिटीज के कंडक्ट से अगर वो कनेक्टेड नहीं है आर्ट तो वो यूजलेस है, ऐसा बिलीव करते थे एस्थेटिक मूवमेंट्स के लीडर्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज फॉलोअर्स ऑफ ऑस्कर विल्डे इन 90s दे डेवलप्ड द थियोरेटिकल कंसेप्ट दैट वॉज फ्री फ्रॉम मोरल कंट्रोल, दे रिजेक्टेड विक्टोरियन ट्रेडिशंस एज ओपनली एज पॉसिबल। ऑस्कर विल्डे के जो फॉलोअर्स थे 90s में, इन्होंने थियोरेटिकल कंसेप्ट को डेवलप किया जो कि मोरल कंट्रोल से फ्री था, और इन्होंने विक्टोरियन ट्रेडिशंस को रिजेक्ट करा
जितना हो सका इनसे. सो वॉट ही दर्डो बीन रिगार्डेड एज इमोरल वॉज अप्रिशिएटेड एंड एडमायर. तो जो कुछ भी अभी विक्टोरियन एज में इमोरल माना जाता था उसको अब अप्रिशिएट किया जाने लगा और एडमायर किया जाने लगा. एंड नेक्स्ट पॉइंट और है, पॉइंट है दे टेकिंग द आइडिया ऑफ ब्यूटी वर्शिप फ्रॉम जॉन रस्किन. सो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑस्कर विल्डे इन हिज नॉवेल्स द पिक्चर ऑफ डॉरियन ग्रे एंड हाउस ऑफ पोमीग्रेनेट्स ही रियलाइज्ड द ब्यूटी एंड इंटेंस सेंसेशंस ऑफ हिज प्रोटैगनिस्ट. ऑस्कर विल्डे की नॉवेल्स हैं, इन्होंने लिखे हैं द पिक्चर ऑफ डॉरियन ग्रे एंड सेकेंड वन इज हाउस ऑफ पोमीग्रेनेट्स. सो इसमें उन्होंने अपने प्रोटैगनिस्ट के ब्यूटी एंड इंटेंस सेंसेशंस को एनालाइज करा है. एंड एक और वर्क है द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, दिस इज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स. एंड नेक्स्ट पॉइंट इन 1895 ही वाज चार्ज्ड विद अ ब्रीच ऑफ इमोरैलिटी एंड सेंटेंस टू रेडिंग गोल्ड फॉर टू इयर्स के लिए इनको रेडिंग गोल्ड के लिए सेंटेंस किया गया था. सो ही रिप्रेजेंटेड बोथ सटायर एंड मार्टिन, इनको सटायर और मार्टिन दोनों के नाम से कंसिडर किया जाता है इस वजह से. एंड कुछ अदर फेमस फिगर्स भी हैं ऑस्कर विल्डे के अलावा, उनको भी आप जान लीजिए. इनके नेम्स बियर्ड्सले हैं, कंप्लीट नेम इज एवरे बियर्ड्सले, अर्नेस्ट डाउसन, जॉन डेविडसन एंड आर्थर साइमंस. सो नोट डाउन इट. एंड बट दिस मूवमेंट हैज़ बिकेम सिनोनिमस विद वॉल्टर पार्टर एंड ऑस्कर विल्डे. बट आपको दो नाम इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ऑस्कर विल्डे एंड वॉल्टर पार्टर. नेक्स्ट पॉइंट इज लिटरेरी सिग्निफिकेंस ऑफ दी 90s की क्या लिटरेरी इंपॉर्टेंस थी उनको भी थोड़ा सा जान लेते हैं. दिस इज लास्ट पॉइंट. सो फर्स्ट पॉइंट इज नॉट इन 90s नॉट जस्ट अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन इन लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, इट्स सॉ एन एंड ऑफ विक्टोरियन कंप्रोमाइज दैट पेव्ड वे फॉर अनप्रेसिडेंटेड साइंटिफिक डेवलपमेंट इन नेक्स्ट सेंचुरी. 1990s का जो पीरियड था ये लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में ट्रांजिशन का ही पीरियड नहीं था, बट इसने जो विक्टोरियन कम्प्रोमाइजेस थे उनका भी दी एंड किया और एक नया रास्ता ओपन किया फॉर साइंटिफिक डेवलपमेंट इन नेक्स्ट सेंचुरी में. इसके बाद नेक्स्ट सेंचुरी स्टार्ट होती है 20th century. तो विक्टोरियन कम्प्रोमाइज का दी एंड हुआ 1890 में, 1990s में. विक्टोरियन कम्प्रोमाइज किया है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है चैनल पे, उसको आप जाके वॉच कर लीजिएगा. व्हाट इज विक्टोरियन कम्प्रोमाइज हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज फेलर ऑफ एस्थेटिक मूवमेंट एंड बर्थ ऑफ पैवियन मूवमेंट इन 90s इन्फ्लुएंस्ड 20th century राइटर्स. एस्थेटिक मूवमेंट का फेलियर हो गया और इस टाइम में पैवियन मूवमेंट का बर्थ हुआ था 90s में ही, जिसने 20th century के जो राइटर्स थे, आने वाले 20th century के जो राइटर्स थे उनको काफ़ी इन्फ्लुएंस करा. एंड नेक्स्ट पॉइंट लिटरेचर बिकेम ए पावरफुल मीडियम ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म इन लेट 90s से लिटरेचर जो था वो एक पावरफुल मीडियम हो गया फॉर सोशल क्रिटिसिज्म के लिए. एंड नाउ रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय एंड स्कैंडिनेवियन राइटर हैं इब्सन, एक्चुअली इनका कंप्लीट नेम है हेनरिक इब्सन, दे वर एडमायर्ड. सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द 1990s इन विक्टोरियन एज. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेंड्स एंड फीचर्स ऑफ विक्टोरियन पोएट्स एंड पोएट्रीज. एंड इसके साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि विक्टोरियन पोएट्स जो थे उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया ड्रामा में और ड्रामास के डिक्लाइन होने के क्या रीजंस थे 18th और 19th century वगैरह में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. उसके साथ ही आने वाले वीडियोस में 20th century की इवेंट को भी डिस्कस करेंगे. सो मेक श्योर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट and share your comments also. So, मिलते हैं next video में. Till then, keep reading, keep studying, and keep watching my channel. God bless you.